सीआईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का ध्वनि पाठ पृष्ठ संख्या 126 प्रश्न अभ्यास एक आखिर यह भारत है क्या अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके प्रश्न अध्याय दो के शुरुआती हिस्से से लिए गए हैं अब तक आप पूरी पुस्तक पढ़ चुके होंगे आपके विचार से इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं जो कुछ आपने पढ़ा उसके आधार पर और अपने अनुभवों के आधार पर बताइए दो आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया था तीन नेहरू जी ने कहा कि मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते आप बताइए कि का आपके मन में अपनी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है ख अपने साथियों से चर्चा करके पता करो कि उनकी मातृभूमि की तस्वीर कैसी है और आपकी और उनकी तस्वीर यानी मातृभूमि की छवि में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं चार जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही हमें एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है उन्होंने भारत के विषय में ऐसा क्यों और किस संदर्भ में कहा है पृष्ठ संख्या एक सौ सत्ताईस पांच सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में अनेक विद्वानों के कई मत हैं आपके अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा तर्क सहित लिखिए उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में इसे कितना लागू कर पाते हैं लिखिए सात नेहरू जी ने कहा कि इतिहास की उपेक्षा के परिणाम अच्छे नहीं हुए आपके अनुसार इतिहास लेखन में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए है एक सूची बनाइए और उस पर कक्षा में अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा कीजिए आठ हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है आज की भारतीय संस्कृति की ऐसी कौन कौन सी बातें या चीजें हैं जो हजारों साल पहले से चली आ रही हैं आपस में चर्चा करके पता लगाइए नौ आपने पिछले साल सातवीं कक्षा में बाल महाभारत कथा पढ़ी भारत की खोज में भी महाभारत के सार को सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य ना हो आप अपने साथियों से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और स्वयं उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं चर्चा कीजिए दस प्राचीन काल से लेकर आज तक राजा या सरकार द्वारा जमीन और उत्पादन पर कर यानी टैक्स लगाया जाता रहा है आजकल हम किन किन वस्तुओं और सेवाओं पर कर देते हैं सूची बनाइए ग्यारह क प्राचीन भारत में विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के दो उदाहरण बताइए ख वर्तमान समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची बनाइए संकेत खान पान पहनावा फिल्में कंप्यूटर टेली मार्केटिंग आदि पृष्ठ संख्या 128 सौ बारह पृष्ठ संख्या 34 पर कहा गया है कि जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं और यातायात के हवाले भरे हुए हैं विश्व या भारत के मानचित्र में उन स्थानों या रास्तों को खोजिए जिनकी चर्चा इस पृष्ठ पर की गई है तेरह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक विषयों की चर्चा है जैसे व्यापार और वाणिज्य कानून और न्यायालय नगर व्यवस्था सामाजिक रीति रिवाज विवाह और तलाक स्त्रियों के अधिकार कर और लगान कृषि खानों और कारखानों को चलाना दस्तकारी मंडियां, बागवानी उद्योग धंधे सिंचाई और जल मार्ग जहाज और जहाज रानी निगमें जनगणना मत्स्य उद्योग कसाई खाने पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी वर्तमान में इन विषयों की क्या स्थिति है अपनी पसंद के किन्ही दो तीन विषयों पर लिखिए चौदह आजादी से पहले किसानों की समस्याएं इस प्रकार थीं: गरीबी कर्ज निहित स्वार्थ जमींदार महाजन भारी लगान और कर पुलिस के अत्याचार आपके विचार से आजकल किसानों की समस्याएं कौन कौन सी हैं पंद्रह सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए ऐसे कौन कौन से सार्वजनिक कार्य हैं जिन्हें आप बिना किसी हिचकिचाहट के करने को तैयार हो जाते हैं सोलह महान सम्राट अशोक ने घोषणा की कि वह प्रजा के कार्य और हित के लिए हर स्थान पर और हर समय हमेशा उपलब्ध हैं हमारे समय के शासक या लोकसेवक इस कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं तर्क सहित लिखिए सत्रह औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई कैसे अठारह मध्यकाल के इन संत रचनाकारों की अनेक रचनाएं अब तक आप पढ़ चुके होंगे इन रचनाकारों की एक एक रचना अपनी पसंद से लिखिए क, अमीर खुसरो ख कबीर ग, गुरु नानक ग, रहीम। पृष्ठ संख्या एक सौ उनतीस उन्नीस बात को कहने के तीन प्रमुख तरीके अब तक आप जान चुके होंगे अमिधा, ख लक्षणा व्यंजना। बताइए नेहरू जी का ये वाक्य इन तीनों में से किसका उदाहरण है यह भी बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसा कि उन्होंने हमें बताया है और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता बल्कि उसने कहीं अधिक प्रगति की होती बीस नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया आपके विचार से आजादी की लड़ाई के बारे में कही गई ये बातें किस ताकत की ओर इशारा कर रही हैं वह कौन व्यक्ति था और उसने ऐसा क्या किया जिसने ग्रामीण जनता को भी आजादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया 21 भारत माता की जय आपके विचार से इस नारे में किसकी जय की बात कही जाती है अपने उत्तर का कारण भी बताइए 22 का भारत पर प्राचीन काल से ही अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे उनकी सूची बनाइए समय क्रम में बनाए तो और भी अच्छा रहेगा ख आपके विचार से भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना इससे पहले के आक्रमणों से किस तरह अलग है तेईस क अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी क्यों ख शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद अंग्रेजी सरकार को शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत काम करना पड़ा क्यों चौबीस ब्रिटिश शासन के दौर के लिए कहा गया कि नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था क्या आपको लगता है कि अब भी नया पूंजीवाद पूरे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा है उससे भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ रहा है कैसे पृष्ठ संख्या 130 25 पच्चीस गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर इनमें से किस तरह का बदलाव आया पता कीजिए क कांग्रेस संगठन में ख लोगों में विद्यार्थियों स्त्रियों उद्योगपतियों आदि में ग आजादी की लड़ाई के तरीकों में घ साहित्य संस्कृति अखबार आदि में 26. अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतरविरोधों का देश है आपके विचार से भारत में किस किस तरह के अंतर्विरोध हैं कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए संकेत अमीरी गरीबी आधुनिकता मध्ययुगीनता, सुविधा संपन्न सुविधा विहीन आदि सत्ताईस पृष्ठ संख्या 122 पर नेहरू जी ने कहा है कि हम भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएंगी आपके अनुसार उस एक नई दुनिया में क्या क्या अच्छा है और कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं यहां भारत की खोज का प्रश्न अभ्यास समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज वाचन स्वर अजीत होरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक ध्वनियांकन विकास सांगवान निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन टी नई दिल्ली भारत